नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। परीक्षा की चर्चाएं की, बहुत से विद्यार्थियों ने उन वीडियो का लाभ लिया है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत देखे गए हैं वो वीडियो। आज मैं चर्चा करूंगा कि इंटरव्यू में आपको क्या करना चाहिए। इंटरव्यू भी परीक्षा की तरह से कला है। अब आप अपनी कलाकारी कैसे दिखा सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो अवश्य ही आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है, या आप किसी से भी मिलेंगे तो वो आपको बता देगा कि 2-3 मिनट के अंदर ऐसा कोई पैरामीटर या ऐसे कोई सवाल नहीं है दुनिया में जो किसी व्यक्ति को, वो विद्वान है या मूर्ख है, इसको अच्छी तरीके से जान पाए। लेकिन हर इंटरव्यू का एक लक्ष्य होता है, वो चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसको प्रभावित करे। अगर आप सामने वाले को प्रभावित कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लेते हैं। देखिए, किसी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे, बड़ा ही जरूरी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए। इसके लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, और आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए आप हमारा ये वीडियो देखिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा। देखिए, कितने भी लोग लाइन में हो, कितने भी लोग इंटरव्यू देके आ गए हो, जब आप जाएं तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि ये जॉब मेरे लिए है और यहां मेरा ही सिलेक्शन होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है कि थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब तैयारी क्या है, आपके पास ये विश्वास होना चाहिए कि जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो इंटरव्यू लेने वाले मेरा इंटरव्यू नहीं लेंगे, बल्कि मैं उनको अपना इंटरव्यू दूंगा। देखिए, मैं जो कह रहा हूं बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि इंटरव्यू देने जब मैं जाऊंगा तो इंटरव्यू लेने वाले मेरा इंटरव्यू नहीं लेंगे, बल्कि मैं अपना इंटरव्यू उनको दूंगा। आप कहेंगे इसमें फर्क क्या है, बड़ा फर्क है। इंटरव्यू लेने वाले अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो अपनी मर्जी के प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप जो तय करेंगे वो प्रश्न वो आपसे पूछेंगे। कहेंगे ये भी आप कैसी बात कर रहे हैं भाई, प्रश्न उन्हें पूछना, हम कैसे तय करेंगे कि वो कौन से प्रश्न पूछें। मैं आपको बताता हूं, और यही कला है, यही कलाकारी है, और यही टेक्निक है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। देखिए, होता क्या है, आप जाएंगे तो सबसे पहले किसी भी जगह पे आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाएगी। ठीक है, आप में पूरा विश्वास है, जो बात मैंने आपसे कही है या जो मैं अभी आपसे कहने जा रहा हूं, इसको सुनने के बाद आपका विश्वास अवश्य ही बढ़ जाएगा। आप अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ जाकर के अपने स्थान पे बैठते हैं। सबसे पहला क्या पूछा जाएगा, आपका नाम बताइए। सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछा जाएगा। देखिए, ये सबसे पहला स्टेप है कि आप सामने वाले लोगों को आपको प्रभावित करना है। अब नाम बताने के लिए, जैसे मैं आपसे कह दूं कि मेरा नाम हरिनिवास है, या मैं आपसे कहूं कि मेरा नाम डॉक्टर हरिनिवास है, या मैं ये कहूं आपसे कि मैं डॉक्टर हरिनिवास तिवारी हूं, या मैं आपसे यह भी कह सकता हूं कि लोग मुझे डॉक्टर हरिनिवास तिवारी के नाम से जानते हैं, मुझे मेरा नाम बताना है। और मैं मेरा नाम जब आपके सम्मुख कह रहा हूं तो इस नाम को प्रस्तुत करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब जो तरीका आप बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, उस तरीके से आपको आपका नाम बताना चाहिए। मैं अपने इंटरव्यू की एक बात आपको याद दिलाता हूं। मैंने PhD का वाइवा हो गया था, सबमिशन हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन मुझे PhD की डिग्री अवार्ड नहीं हुई थी, और मुझे इंटरव्यू देने का नंबर आया। वो इंटरव्यू जब मैं देने गया तो उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा डॉक्टर हरिनिवास तिवारी। बोले, आप PhD हैं, आपकी PhD पूरी हो गई है। थीसिस मेरे पास थी, मैंने थीसिस आगे रखी। मैं कहा साहब, इसका आप पन्ना पलट के देखिए। उन्होंने पन्ना पलट के देखा, क्योंकि मेरे ही पास PhD की डिग्री नहीं आई थी,
इसलिए मैंने उसमें डिग्री अपनी पीएचडी की जोड़ी नहीं थी, उसमें मैं पीएचडी कर रहा हूं यही लिखा हुआ था। तो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें मैं पीएचडी कर रहा हूं, पीएचडी स्टूडेंट हूं, ये चीज थी। तो उन्होंने जैसे ही पहला पन्ना पलटा, उसके ऊपर जो मेरे एग्जामिनर थे, जिन्होंने मेरी एग्जाम ली थी, उन्होंने अपना शुभकामना संदेश मेरी थीसिस पे लिख के दिया था कि मैं डॉक्टर हरिनिवास तिवारी को शुभकामनाएं देता हूं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए। तो मैंने कहा देखिए ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है, जो मेरा एग्जामिनर है उन्होंने ये लिख के दिया है और ये मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं डॉक्टर हो गया हूं। साहब आपका रिजल्ट तो नहीं आया, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं कहा मेरे गुरुजी ने ये सिखाया है और उन्होंने जब मुझे हाथ में हाथ पकड़ के कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हुए ये कह दिया कि डॉक्टर हरिनिवास, तो फिर अब कौन मेरी इस डिग्री को रोक सकता है? और ये जो मेरी बात थी, मेरा नाम ही वो पूछ पाए, इसके बाद मैंने तय किया कि उन्होंने उनको मुझसे क्या सवाल पूछने हैं। अब सारे सवाल मेरी पीएचडी के इर्द गिर्द और मेरे नाम के साथ या मेरे एटीट्यूड से लगते हुए थे, सारे विषय और सारी चीजें साइड में चली गई। आप समझ रहे हैं मैं जो आपसे कह रहा हूं कि अगर वहां मैं अपना नाम सिंपली मैं हरिनिवास तिवारी हूं ऐसा बोलता और आगे डॉक्टर शब्द मैंने नहीं लगाया होता तो अगला प्रश्न उनके पास था। लेकिन जब मैंने अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा दिया तो मुझे मालूम था मेरा ये डॉक्टर लगाना ये उनके मन में सवाल उत्पन्न करेगा और वो नए नए सवाल जो होंगे वो इसके इर्द गिर्द गया। और एक नहीं, जो पूरी 5-6 लोगों की पैनल थी, 2 लोग सवाल पूछ रहे थे और बाकी सारे लोग सिर्फ सुन रहे थे कि ये चल क्या रहा है। तो ये एक कला होती है, आप अपना नाम बताते बताते भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो प्रश्न करने वाले हैं वो आपके प्रश्नों के जाल में फंसे, नहीं कि वो अपने प्रश्न आपसे पूछ पाए। मैं अपने ही एक और इंटरव्यू की बात आपसे करता हूं। मुझे एनसीसी ऑफिसर के लिए नियुक्ति मेरी होनी थी और एनसीसी के जो कर्नल हैं, कमांडेंट हैं, वो सब बैठे हुए थे। इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया, मैं अंदर पहुंचा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, पहला सवाल था आपका नाम क्या है? मैंने कहा डॉक्टर हरिनिवास तिवारी। अब देखिए गुजरात में था मैं, अहमदाबाद में इंटरव्यू दे रहा था। मैंने तिवारी पे बड़ा भार दिया, यहां डॉक्टर पे भार नहीं था, तिवारी पे बड़ा भार था। उनका सब अब तिवारी हैं तो तिवारी तो गुजरात में नहीं हुआ करते। मैं कहा हाँ जी साहब, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं, तो आप उत्तर प्रदेश में कहां से हैं? अब देखिए मैं तय कर रहा हूं वो हमसे क्या सवाल पूछेंगे, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो अगला सवाल यही आने वाला है कि आप उत्तर प्रदेश में कहां से हैं। आप किसी भी प्रदेश का नाम बताएंगे, अगला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि उसमें आप कहां से हैं। मैंने कहा मैं इटावा से हूं। आप इटावा से हैं? अब देखिए यहां पे आकर के उन्होंने अपना एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा इटावा की पॉपुलेशन क्या होगी। यहां पर उन्हें यह जानना था कि मैं डिसीजन किस तरीके से ले सकता हूं, क्योंकि एनसीसी वाले मेरे विषय का इंटरव्यू लेने नहीं आए थे कि मैं संस्कृत का प्रोफेसर हूं, मुझे संस्कृत में कितना आता है। लेकिन एनसीसी कमांडर अगर आपको बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि तुरंत निर्णय आप कैसे लेते हैं। तो मैंने कहा साहब 1991 की जनगणना के हिसाब से, अब इतना तो मुझे मालूम होना चाहिए कि जनगणना कब कब होती है। तो 1991 की जनगणना के हिसाब से इटावा की पॉपुलेशन कुछ 3 लाख से ऊपर 16,000-18,000-20,000 कुछ थी। आप समझ लीजिए ना, तो वो इटावा के रहने वाले हैं ना उनको इटावा की आबादी या जनसंख्या के बारे में कुछ मालूम है, और जो मैं कहूंगा वो सच है। वास्तव में मैं इटावा रहा ही नहीं हूं तो मुझे इटावा की जनसंख्या के बारे में कुछ अंदाज नहीं था। खाली इतना एक अंदाज था कि मैं सूरत रहता था कि सूरत सिटी इतनी बड़ी है और यहां की जनसंख्या इतनी है तो इटावा की जनसंख्या कितनी हो सकती है, और कुछ भी हो यहां 50,000 या लाख का भी अंतर होगा तो कौन से उनके पास डेटा है। लेकिन आप तुरंत जवाब देते हैं या नहीं देते हैं यह महत्वपूर्ण था। तो मित्रों इंटरव्यू देने के टाइम पे आपको यह क्लियर होना चाहिए कि कौन से सवाल ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाएं और उनके जवाब देना आपको अच्छा लगेगा, तो उस दिशा में आप इंटरव्यू को ले जा सकते हैं। मैं एक और घटना आपको बताता हूं।
उसी इंटरव्यू में, जिस इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने पहले इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इंटरव्यू संस्कृत के संदर्भ में नहीं देने पड़े हैं। जब मुझसे पूछा गया और मैंने कहा था कि मैं डॉक्टर हरिनिवास तिवारी हूँ, वहाँ ये सारी चीज़ें खत्म हुई, काफ़ी समय चला गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, आप एक अच्छा सा श्लोक सुना दीजिए हमें। अब आप विचारिए कि आपसे अगर कोई ये कहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे ये मालूम पड़ गया था कि मेरा सिलेक्शन यहाँ हो गया है, लेकिन विषय को लेके भी कुछ तो पूछा जाना चाहिए ना। तो उन्होंने अंत में ये कहा कि ठीक है, आप साहब एक संस्कृत के आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, संस्कृत के अध्यापक का आप इंटरव्यू देने आए हैं, तो आप एक अच्छा सा श्लोक सुना दीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। मैं आपसे ये कहूं तो अभी आप बताइए कि आप कौन सा श्लोक सुनाना पसंद करेंगे। आप सोचेंगे जो अच्छा सा श्लोक, यानी अच्छा सा श्लोक होना चाहिए। मैंने उनको श्लोक सुनाया था, वागरथा विव संप्रक्तौ वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। रघुवंश का पहला श्लोक कोई नहीं सुनाता इस तरीके से, रघुवंश का पहला श्लोक, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो श्लोक मैं सुनाऊंगा उसमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये श्लोक मैंने सुनाया, अगले जो भी प्रश्न आने वाले हैं अब इस श्लोक से रखते हुए आने वाले हैं। मुझसे पूछा गया कि भाई इसमें जिस तरीके के शिव और पार्वती के स्वरूप का वर्णन है, आपने कभी उनके दर्शन किए हैं? मैं आपसे बिल्कुल वही बता रहा हूं जो प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं। मैंने कहा साहब, जहां तक साक्षात दर्शन का प्रश्न है, मेरे हिसाब से यहां जो लोग बैठे उनमें से किसी ने किए हों तो मैं सौभाग्यशाली हूंगा उनके दर्शन करने के बाद, लेकिन चित्र में जरूर मैंने देखा है कि अर्धनारी नटेश्वर का फोटो होता है, चित्र होता है, जिसमें आधा शरीर शिव का है और आधा शरीर पार्वती का है, ऐसे जो एक दूसरे के साथ एकदम संपृक्त है। इस तरीके से उपमा दी है कालिदास ने यहां। तो उन्होंने कहा कि उपमा के लिए तो कालिदास जाने जाते हैं, ये तो सभी जानते हैं, आप ये बताएंगे कि वो और कौन सा ऐसा अलंकार है जो किसी रचना में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है। मैंने कहा हाँ साहब, अर्थांतरण न्यास अलंकार जो है उसका उन्होंने मेघदूतम में बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। एक प्रश्न उनका, लेकिन अब मेघदूतम में से क्या पूछा जाएगा वो मैं तय करूंगा। आप हमेशा एक प्रश्न पूछने का अवसर उनके पास होना चाहिए, उसके जवाब में आप ऐसा जवाब दें कि फिर प्रश्न आपके पाले में गेंद होनी चाहिए। और फिर मैंने वही किया, मेघदूतम का पहला श्लोक सुनाया, कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता। मैंने अर्थांतरण न्यास अलंकार जिस श्लोक में है ऐसा श्लोक सुनाने की कोशिश नहीं की। मेरा सौभाग्य था कि मुझे उस समय पे भी रघुवंश के भी लगभग पहले और दूसरे सर्ग के सारे श्लोक याद थे। आज भी मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अधिकांश श्लोक याद हैं। मेघदूतम के भी उस समय मुझे पूर्व मेघ के 40 श्लोक याद थे, लेकिन मैंने पहला श्लोक सुनाया। अब वहां पे चक्रे, थोड़ी व्याकरणिक, जो व्याकरण वाले अध्यापक थे उनका ये चक्रे क्रिया क्या है, कैसे है। अब जो श्लोक आप सुनाते हैं उस श्लोक में से कोई भी प्रश्न पूछा जाए उसके सारे जवाब आपके पास होने चाहिए। ये है इंटरव्यू की वास्तविक कला, कि एक सवाल आपसे पूछा जाए, उस सवाल के बाद, उस सवाल के जवाब में, क्योंकि जवाब देना आपके हाथ में है, आप इस तरीके से जवाब दीजिए कि वो आपके पास आ जाएं, और फिर आप तय करें कि अब इसमें से आप सवाल पूछिए हमसे, इसमें से अगला सवाल पूछेंगे, और उसके सारे सवालों के जवाब आपको आने चाहिए। ये रामगिरी आश्रम कहाँ है आपको मालूम होना चाहिए, इस मेघदूतम में कहां से कहां की यात्रा हुई ऐसा कुछ आपको मालूम होना चाहिए। तो भैया, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने परीक्षा कि आंसर शीट लिखने में आपसे कहा था कि आप तय करेंगे कि एग्जामिनर को क्या क्या पढ़ना है, आप जिसको हाईलाइट करेंगे वो पढ़ पाएगा, वहीं पर उसका ध्यान पहले जाएगा, इसके अलावा पूरा पेज पढ़ने का उसके पास समय नहीं होता है। ऐसे या इंटरव्यू में जब 25, 30, 40 लोग लाइन में लगे हों तो आपसे बहुत ज़्यादा या तो पूछा नहीं जाएगा, और या पूछा जाएगा बहुत ज़्यादा तो आपका सिलेक्शन होगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ। PhD के डिस्कशन 10 मिनट तक चल गई थी, उसके बाद इन दो श्लोकों के बारे में पूछा गया। मेरा इंटरव्यू 20 मिनट चला था, और जब मैं वहां से बाहर आया था तो जितने कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए बाकी खड़े हुए थे उन सब ने ये कहा था, हम तो समझे कि साहब आप अपॉइंटमेंट लेटर लेके ही बाहर आओगे।
यानी आपने एक काम और कर लिया कि जब आप बाहर आए तो बाकी के जो लोग थे आपके पीछे जो जाने वाले हैं उनका सबका मोरल आपने डाउन कर दिया है, क्योंकि आपने इस तरीके से अपना इंटरव्यू दिया कि आपसे वो सवाल पूछते रहे, आप जवाब देते रहे, जवाब आपके ही पक्ष से थे, आपने तय किया कि आपसे वो क्या सवाल आगे पूछें, आपका इंटरव्यू लंबा खींचा तो जितना इंटरव्यू आपका लंबा खींचेगा पीछे जो लोग आपके बैठे हुए हैं उनके कॉन्फिडेंस लेवल उतने डाउन हो जाएंगे, आगे जाकर के वो इतना अच्छा इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, पक्की बात है। तो भैया इंटरव्यू देना एक कला है, साक्षात्कार ये कला है, और आप कोशिश करें इस तरीके से। अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो संस्कृत में बहुत सारी शाखाएं हैं, आप व्याकरण के विद्यार्थी हो सकते हैं, आप साहित्य के विद्यार्थी हो सकते हैं, आप काव्यालंकार के विद्यार्थी हो सकते हैं, आप वेदांत के विद्यार्थी हो सकते हैं, आप जिसकी भी विद्यार्थी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जब आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में कि आपका मुख्य विषय क्या रहा है, तो जिसमें आपको बहुत अभिरुचि हो, जिसमें से आपको विश्वास हो, आप उस विषय की बात कीजिए, जिससे उससे संबंधित ही प्रश्न आपसे पूछे जाए। और जब उससे संबंधित पहला प्रश्न आएगा वो उनकी मर्जी पे आएगा, वैसे तो वो भी उनकी मर्जी पे नहीं, अगर आपने कह दिया कि आप वेदांत के विद्यार्थी हैं तो वेदांत से लगता हुआ प्रश्न वो पूछेंगे, तो आपने तय किया है कि वो किस विद्या शाखा से संबंधित प्रश्न आपसे करें, लेकिन फिर भी वेदांत से लगता हुआ पहला प्रश्न वो आपसे पूछ लें, तो उस प्रश्न के जवाब में आप वही बात उन तक पहुंचाइए जो बात आपको अच्छी तरह से मालूम है। जैसे मैंने कहा था कि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं और उन्होंने कहा कि श्लोक सुना दीजिए, तो मैंने वही श्लोक सुनाया जिस श्लोक के बारे में एक एक अक्षर की व्याख्या हो चाहे तो मैं कर सकता हूं, जिस श्लोक के बारे में वो जो कुछ पूछेंगे वो सब मैं कह सकता हूं। दूसरा श्लोक सुनाने कहा तो मेघदूतम का पहला श्लोक सुनाया, उसमें भी वो जो पूछना चाहे, जहां से पूछना चाहे, जैसे पूछना चाहे, वो मैं हर चीज बता सकता था। इस तरीके से तैयारी कीजिए, कम तैयारी होगी चलेगी, ज्यादा तैयारी से इंटरव्यू में आप सफल नहीं होते हैं, इंटरव्यू में सफलता मिलती है आपकी टेक्निक के कारण। एक उदाहरण आपको देता हूं और उसके बाद ये पूरा करूंगा। मैनेजमेंट का इंटरव्यू था, सामने के कैंडिडेट से पूछा गया कि भाई आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, आपको उस सवाल का जवाब देना है और उसी से तय हो जाएगा कि आपको रखा जाए या नहीं रखा जाए। उसने कहा पूछिए साहब। सवाल पूछा गया जो सामने टेबल पड़ा था, बोले इसका सेंटर कहां पे है, उसने एक जगह उंगली रख दी कि ये इसका सेंटर है। उससे कहा गया कि कैसे, तो बोला नाप के देख लो, बोले गेट आउट, क्योंकि तय ये हुआ था कि एक सवाल का जवाब आपको देना है। अब अगर दूसरा सवाल आपसे पूछा भी जा रहा है तो आपको जवाब नहीं देना है, और अगर आपको जवाब देना है तो आप पहले उनसे कहिए कि देखिए आपने एक सवाल की बात की थी, उसका जवाब हमने आपको दे दिया है, अब अगर आप कहें तो मैं आपके दूसरे सवाल का। ये होती है आपकी बुद्धि का परीक्षण, ऐसा इंटरव्यू में कई बार किया जाता है, मैनेजमेंट के इंटरव्यू हो या कुछ अन्य इंटरव्यू हो, उनमें इस तरीके से आपके माइंड का बैलेंस, आपके माइंड की शार्पनेस, इन सब चीजों को देखा जाता है। तो वहां पर भी इन चीजों का ख्याल रखें कि इंटरव्यू देना एक कला है, और जब आप विषय का इंटरव्यू दे रहे हैं तब तो मैंने आपको बड़े अच्छे ढंग से बताया है कि आपके पास ये कला होनी चाहिए कि आप उनको जो आप चाह रहे हैं वही प्रश्न आपसे पूछे जाएं, इस दिशा में आप उनको ला पाएं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको इन टेक्निक से कुछ लाभ हो तो अच्छा लगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों तक पहुँचाइए और देखते रहिए संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, इसको शेयर करें। धन्यवाद।